बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों में मतदान होने के बाद अब 5वें दौर के लिए सियासी दल जनता को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जनता की क्या रणनीति है? इस बार किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? यूपी के बस्ती में जनता किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी? बस्ती में किस और सियासी बयार बह रही है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने यहां के मतदाताओं से बातचीत की है। पेश है एक रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं पूर्वांचल की धरती यानी कि बस्ती में, और हमारे साथ यहाँ विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी, जिस तरह से पूर्वांचल की ऐतिहासिक धरती मानी जाती है बस्ती, बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई, तो क्या लगता है कि यहाँ किसका राज चलने वाला है, जनता किसको बिठाने वाली है? यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी जीतने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। मैंने इधर कई गांवों का दौरा किया है, डोर टू डोर गया हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं, अभी तक कहीं से भी एक भी निगेटिव रिपोर्ट नहीं। लोगों ने सर आंखों पे लिया और कहा कि निश्चित रूप से हम हरीश जी को जिताएंगे। सर, जिस तरह से ये कहा जाता है कि सांसद जी एबीवीपी से लेके 2 बार के सांसद रहे हैं, लोगों से उनका अच्छा जुड़ाव माना जाता है। 2014 के पहले जो भी बस्ती में सांसद हुए, सांसद मतलब कोई जानता नहीं था सांसद क्या होता है, लेकिन इन्होंने बस्ती को एक सांसद के रूप में आकर के जिस तरीके से एक पहचान दिए कि आज पूरे बस्ती में आज चले जाइए, गली गली में चले जाइए, तो सांसद जी की चर्चा आपको गली गली में मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से सब लोग हरी जी के साथ खड़े हैं, हरी जी की यहाँ जय जयकार भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने वोटों से आप लोग जिताने वाले? अब की बार 400 पार। सांसद आपका कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छे सांसद जी, जैसे हरीश द्विवेदी जी हमारे सांसद हैं वर्तमान में, और इन्होंने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं बस्ती में, जैसे राष्ट्रवाद, विकासवाद और जन कल्याण, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुनः तीसरी बार माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी को विजय श्री मिलना तय है। हम और पूरा जितने गरीब कल्याण के लिए जो जो योजनाएं माननीय सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे हैं, इस आधार पर कहा जा सकता है कि हरीश द्विवेदी जैसा ही सांसद बस्ती को चाहिए। बस्ती में किसका मुकाबला किससे देखने को मिला है? बस्ती में जो है मुकाबला बहुत साफ है, और यहाँ की पूर्ण सरकार बन रही है भाजपा की, और तमाम मुद्दे भी हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया। इतना प्यार करते हैं अपने सांसद से? सांसद जी प्यारे है, ये हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, ऑडिटोरियम बनवाया इतना बड़ा जहाँ युवा जाके पढ़ता है। सीधा सीधा हम बता दें कि हरीश द्विवेदी जी के ऊपर पुनः ताज लगने जा रहा है, और मुकाबले में तो कोई है ही नहीं है। आप कह रहे हैं कौन है मुकाबले में, कौन है मुकाबले में, कोई मुकाबले में नहीं, एक तरफा चुनाव है, भाजपा जीत रहा है, पूरे एकदम बम-बम है। हाँ, एकदम बम-बम है, कोई इसमें दो राय नहीं। जो बस्ती में पिछले 10 सालों से जो विकास हुआ है बस्ती देख रही है, उससे किसी का कोई मुकाबला नहीं है। बस्ती का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 2-2 पॉलिटेक्निक, 6-6 ITI, हरैया का एक अलग से महिला हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें बस्ती विकास, मुंडरमा चीनी मिल, ये सब बस्ती देख रही है। यहाँ पे जो विकास के नाम पे वोट होने वाला, यहाँ कोई जातिवाद कुछ नहीं चलने वाला, सीधा सीधा यहाँ पे सिर्फ विकास के नाम पे पुनः एक बार लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी भाजपा के श्री हरीश द्विवेदी जी एक तरफा जी। नहीं, सांसद जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो एकदम 100% है विकास के मुद्दे पे, और जो सड़कें हैं पूरे जिले में, इसके पहले 14 में जो हालात थे और 10 सालों में जो हालात हैं वो आज दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह से बस्ती के लोग हरीश जी की तरफ और उनके विकास की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ जो बस्ती की जो जनता है उसका सीधा सीधा कहना ये है कि जो मौजूदा सांसद है उन्होंने युवाओं और के लिए कार्य किए हैं, विकास के लिए कार्य किए हैं, एडिटोरियल वगैरह बनवाया है, तो उससे सीधा सीधा ये प्रतीत होता है कि बस्ती का ताज बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ मैं राजीव मिश्रा, बस्ती।